टेनिस की कनाडा ओपन प्रतियोगिता कल मॉन्ट्रियल में संपन्न हुई। फाइनल मुकाबले में विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी येवगेनी केफेलनिकोव के सामने थे स्वीडन के थॉमस योहानसन। फाइनल में रूसी केफेलनिकोव के जीत की ज्यादा संभावना मानी जा रही थी और उसने पहला सेट आसानी से 6-1 से जीत भी लिया। मगर दूसरा सेट जीता 11वीं वरीयता प्राप्त थॉमस योहानसन ने। लेकिन पहले ही थोड़ी देर से शुरू हुए इस फाइनल मैच में फिर से बाधा तब आई जब थॉमस ने चोटों की वजह से 2 बार टाइम आउट लिया। तीसरा सेट जीतने में भी थॉमस को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन थॉमस ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। खिताब थॉमस ने 3 सेटों के मुकाबले के बाद जीता। Well, it feels great. I mean, अच्छा लग रहा है, मगर प्रतियोगिता से पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। Really well, and I think maybe today was my best match of the tournament. इस चैंपियनशिप के खिताब के अलावा थॉमस को $361,000 की इनामी राशि भी मिली।